Bellcat. स्वागत है आपका YouTube चैनल में। तो यहाँ पर आज मैं 28 नंबर ब्रा की कटिंग करना बता रही हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने चौकोर डब्बा बना लिया है जो 7 इंच इधर से है और साथ ही 7 इधर से। तो इसको सीधी लाइन मिलाकर कटिंग कर लेना है। और इस तरह से और इसको बीच से मोड़ना है। उस तरह से जो कुन्ना बड़ा निकल रहा है तो इसको कटिंग कर देते हैं। और अब इसको हमको इस तरह से इतना मोड़ना है कि ये कुन्ना बीच से मोड़कर इधर आ जाए। और इस तरह से मोड़कर इसको बीच से कटिंग कर देना है। इस तरह का इसका आकार बनेगा। तो ये नोक आ रही है तो इसको भी हमको खत्म करना है। तो इस नोक को हम गोलाई में बदल देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर भी एक कुन्ने नहीं चाहिए हमको, गोलाई चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल गोलाकार आ जाएगा। और यहाँ पर भी हमको कटिंग करनी है। अभी यहाँ पर भी हल्का सा गोलाई में कटिंग करेंगे। इस तरह से। और जो आगे आगे रखेंगे, जो गले साइड रखेंगे, जो इस पल्लर में हम एक निशान लगाकर थोड़ी सी गहराई देंगे। जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा गले की तरफ आएगा और ये बगल साइड। और इस तरह से हम कपड़े पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो अब आते हैं बेल्ट की तरफ। इसको इस तरह से बीच से मोड़ते हैं, इसको फोल्ड करके। जैसे कि 28 नंबर पर आए तो हमको इसकी कमर 28 रखना है। और लास्ट एक हम कम लेंगे लेकिन कपड़े को पूरा 28 ही रखना है। यहाँ पर डबल में 14 है तो ये 28 हो जाता है। और इसमें थोड़ा जैसे कि यहाँ पर 14 में थोड़ा सा कम है तो हमें कपड़ा ज्यादा रख लेंगे। ये पेपर कटिंग है और इसको हम कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ये हमारी जो बंद साइड है यहाँ रखेंगे हम आगे वाला हिस्सा और खुले साइड पीछे वाला हिस्सा। इसको इस तरह से मोड़कर इसमें पिन लगा देते हैं।
और इसको हमको एक इंच की पट्टी रखना है नीचे, तो इसके लिए हम कटिंग करेंगे 2 इंच पर, ताकि 1 इंच पट्टी हमारी मुड़ जाएगी अंदर इलास्टिक लगाने पर। तो यहाँ पर 2 इंच की पट्टी लेंगे हम, इसको इस किनारे से रखें, यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा दें, और अब इसको रखकर निशान लगाएंगे। और इसको यहीं से नीचे की तरफ धीरे धीरे करके हमको उतारना है। और यहाँ पर भी हमको सबसे लास्ट में 1 इंच की पट्टी चाहिए, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको उसी में मिलाएंगे। ये निशान हमारा गलत हो गया है, तो इसको इस तरह से मिला लेंगे और इसको भी हम ठीक तरह से लाइन लगा लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। और अब इसी निशान पर कटिंग करेंगे। इस पाक को हम सिलाई में इस तरह से कटिंग करेंगे। तो और अब निकालते हैं इसकी बद्दी। तो बद्दी की लंबाई रखेंगे हम 15 इंच, ताकि हमारी सिलाई के लिए उसी में मार्जिन भी आ जाए और हमारी पट्टियां भी आ जाए। तो इसके लिए लंबाई लेंगे 15 इंच, और यहाँ पर 15 इंच पर एक निशान लगाते हैं और चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, ताकि सिलाई मार्जिन इसी में रहेगा और पट्टी फोल्ड होकर इलास्टिक में 1/2 इंच की रह जाएगी। और उसका 2 इंच इस किनारे पर भी 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से बीच में भी लगा लेते हैं, ताकि हमारी पट्टी सीधी कटे। और ये हमारे दोनों साइड के कंधे वाली पट्टियां भी कट चुकी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की सिलाई की वीडियो भी देखना चाहते हैं इस ब्रा की, तो हमको कमेंट में जरूर लिखें।